उदाहरण 12 बी। सेक 70 अंश बटा कोसेक 20 अंश धन साइन 59 अंश बटा कॉस 31 अंश। इसका मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेक 70 अंश को हम लिखेंगे सेक 90 अंश ऋण 20 अंश, क्योंकि हम 90 में से 20 को घटाएंगे तो हमें 70 प्राप्त होगा। तो हमने 70 अंश की स्थान पे 90 अंश ऋण 20 अंश लिखा बटा कोसेक 20 अंश धन। उसी तरह से पुनः हम साइन के स्थान पे साइन लिखेंगे और 59 अंश के स्थान पे लिखेंगे 90 अंश ऋण 31 अंश। 90 में से 31 को कहीं हम घटाते हैं तो हमें पुनः 59 मिल जाता है। तो 59 के स्थान पे हम 90 अंश ऋण 31 अंश लिखेंगे बटा कॉस 31 अंश बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 90 अंश ऋण थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो सेक 90 अंश ऋण सेक 90 अंश ऋण 20 अंश को हम लिखेंगे कोसेक कोसेक 20 अंश। यहाँ पे हमने सेक 90 ऋण थीटा का सूत्र लगाया है जो कि कोसेक थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पर हमें हमारे पास 20 अंश है तो ये बन जाएगा अपना कोसेक 20 अंश इस सूत्र से बटा कोसेक 20 अंश धन। उसी तरह से हम जानते हैं साइन 90 अंश ऋण थीटा का मान होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 अंश ऋण 31 अंश जो हो जाएगा कॉस 31 अंश बटा कॉस 31 अंश बराबर कोसेक 20 अंश बटा कोसेक 20 अंश। अंश और हर से कट जाएगा और यहाँ पे हमें एक प्राप्त होगा धन। पुनः यहाँ पे कॉस 31 अंश बटा कॉस 31 अंश अंश और हर से कटेगा और हमें एक प्राप्त होगा बराबर एक धन एक बराबर दो। यह हमारा दिए गए प्रश्न का हल हुआ। तो यह इस उदाहरण 12 के बी का हल है।